कृषि मूलश्च जीवनम्, खेती ही जीवन का आधार है। जब प्रकृति के पांचों तत्व सतो प्रधान होते थे, तब खेती से पौष्टिक अन्न, फल, सब्जियां मिलती थीं। सभी स्वस्थ, निरोगी, कंचन काया वाले होते थे। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन आज हमने जहर पिला पिला कर धरती माता को बंजर बना दिया है और अन्न दूषित हो गया है। अस्पताल आज मरीजों से भरे पड़े हैं। जब तक अन्न शुद्ध न हो, तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता और मन बेचैन होने के कारण योगी नहीं बन सकता। समाज की इसी बात को महसूस करते हुए ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने अन्न शुद्ध करने, शाश्वत योगिक खेती तथा मन शुद्ध करने के लिए राजयोग को गांव-गांव में पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की है। इस क्रांतिकारी संकल्प को राजाश्रय मिला है। सरकार भी रासायनिक खेती से बहुत पीड़ित है। 2016 में 18 मंडलों से 18 दिव्य किसान अभियान उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 821 विकास खंडों में पहुंचे, जहां करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार द्वारा आयोजित की गई किसान गोष्ठियों में ग्रामीणों को अन्न और मन की शुद्धि के लिए ईश्वरीय संदेश दिया गया। जब इस विद्यालय के जुड़े हुए किसानों ने, करीब 2000 किसानों ने अपनी खेती में योग के प्रयोग किए और हमारे पास उसके परिणाम प्राप्त हुए, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बनाया गया। बधाई देता हूँ कि किसान सशक्तिकरण पर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा अभियान चलाने का काम किया है। इससे किसानों की दशा सुधरेगी और लोगों को जानकारी होगी कि आज खेती के लिए क्या क्या जरूरी है। यह कार्य न तो ब्रह्मा कुमारीज अकेले कर सकती थी, न सरकार। अतः यह कार्य ब्रह्मा कुमारीज तथा सरकार के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। सितंबर 2016 में भारत की राजधानी दिल्ली के सुप्रसिद्ध विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में परंपरागत कृषि पर वैज्ञानिकों, अधिकारियों तथा किसानों का विशाल एक दिवसीय सेमिनार हुआ, जिसका दूरदर्शन के साथ अन्य चैनलों पर सीधा प्रसारण हुआ, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्रियों ने सरकार के सहयोग से ऐसे सेमिनार के आयोजन का आह्वान किया। ये जैविक खेती हमारे परंपरागत कृषि का एक प्रमुख घटक है। आपके इस अभियान का बड़ा ही सहयोग भूमिका होगा और मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करते हुए ये विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार की ओर से जो भी प्रयत्न करने होंगे आपकी इस योजना में हम करेंगे। हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी बहनों को, ब्रह्मा कुमारियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप देश की समस्या के साथ जूझने का काम करने के लिए आहूत कर रहे हो सभी किसानों को। तो मैं आपको भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आप चाहे कि हमारे इस रास्ते में राज्य सरकार की एवं केंद्र सरकार की पॉलिसियां जो है उसमें इस प्रकार का सुधार हो तो आप हमें बताइए, हम वो करने के लिए भी तैयार। पुष्कर में आयोजित कृषि एवं ग्राम विकास की वार्षिक मीटिंग में राजस्थान के कृषि मंत्री भ्राता प्रभुलाल सैनी जी ने प्रभाग की सेवाओं को सराहा तथा उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी अभियान के लिए सहयोग का वायदा किया। और हमारी संस्कृति है योगिक खेती की संस्कृति है, क्योंकि पूरा देश योगिक देश रहा है, योगियों की पूजा की गई है और योगिक खेती शाश्वत खेती के रूप में जीरो बजट के रूप में की जाने वाली सर्वोत्तम खेती है। ब्रह्मा कुमारीज तथा सरकार के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर किसान सशक्तिकरण दिव्य महोत्सव संपन्न हुए। इन सेवाओं के साथ साथ प्रभाग के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तथा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस पर देश भर में सैकड़ों कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसके लिए सरकार का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। गत वर्ष हुई सेवाओं की भव्य सफलताओं को देखते हुए इस वर्ष भी प्रभाग की ओर से राजस्थान, बिहार तथा अन्य राज्यों में भी सरकार के साथ मिलकर विशाल सेवा योजना तैयार की गई है।
कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने इस वर्ष से सद्भावना के साथ संपूर्ण ग्राम विकास प्रोजेक्ट के द्वारा ग्रामीण सेवा का संकल्प लिया है। इसके अंतर्गत सरकार के साथ मिलकर गोष्ठियों, किसान सम्मेलनों, जन जागृति अभियान, स्नेह मिलन, किसान महोत्सव, कृषक प्रशिक्षण आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे अभियान को लगातार राजाश्रय मिल रहा है और सरकार के सहयोग से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ग्रामीणों के कल्याण के लिए अपना कारवां निरंतर आगे बढ़ाता जा रहा है। सरकार और ब्रह्मा कुमारीज मिल गोकुल गांव बनाएंगे, अब दूर नहीं मंजिल अपनी, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। ओम शांति।